Hello and welcome to the second episode of Counseling Baki Hai. I am Aditya Yadav and I am watching the Social Indian. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि अगर आपने ड्यूअल एलबी का एंट्रेंस दिया था तो आपने एक सेंटर की प्रेफरेंस भरी होगी जहां पे आपने तीन लॉ स्कूल में से एक दो तीन प्रेफरेंस दी होगी. वो थे कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू. अब यहाँ पर बात ये है कि इनमें फर्क क्या है, आपसे प्रेफरेंस क्यों मांगी गई थी और क्या फर्क पड़ता है आपके किसी एक सेंटर में होने से या एक सेंटर में ना होने से, किस सेंटर की कितनी कट ऑफ जाएगी, ये भी एक मैटर की बात होती है जो दूसरे नंबर की बात है. और तीसरी बात यह है कि किस सेंटर में क्या क्वालिटीज है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके वर्स्ट पॉइंट है, क्या उसकी बेस्ट थिंग्स है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, आप पूरा समझ पाएंगे कि कौन से सेंटर में क्या फर्क पड़ता है. मेरे को एक साल हो गया लॉ सेंटर वन में और मैंने आज तक अभी तक तो कुछ नहीं देखा है जो तीनों सेंटरों को अलग बनाता हो फैकल्टी के मामले में. जो लोग कहते हैं कि भाई इस सेंटर की पढ़ाई अच्छी है, इस सेंटर की पढ़ाई अच्छी है, उनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो फैकल्टी है अगर वो इंटरचेंज होती रहती है, हर बार ट्रांसफर होती रहती है एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, और वो भी बिना किसी ऑर्डर के रैंडमली कोई भी कहीं भी इधर उधर ट्रांसफर होता है, तो उससे आप कैसे जज कर सकते हैं कि कौन से सेंटर की फैकल्टी अच्छी है कौन से सेंटर की नहीं. तो मेरा मानना ये है और जो बाकी मैक्सिमम लोग हैं उन सभी का मानना ये है, जो हमारे सीनियर्स कहते हैं, जो हमारे जूनियर्स आगे आने वाले भी कहेंगे, कि जो लॉ सेंटर वन है, लॉ सेंटर टू है या कैंपस लॉ सेंटर है, तीनों में जब फैकल्टी एक जैसी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है फैकल्टी के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में. हो सकता है एक प्रोफेसर इस चीज़ को अच्छा पढ़ाता हो, एक अच्छा ना पढ़ाता हो, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रोफेसर सभी जो हैं वो अपॉइंटेड एक ही कमीशन के द्वारा हैं और साथ साथ वो प्रोफेसर इंटरचेंजली ट्रांसफ़र होते रहते हैं. जैसे लॉ सेंटर वन के प्रोफेसर CLC में चले गए, CLC से LC2 में आ गए, LC2 से LC1 में आ गए, तो ये चलता रहता है. अब अगर ये आपकी क्वालिटी को दिमाग में चेंज कर रहा था कि भाई ये सेंटर में है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. जो मेरे को एक चीज़ लगती है तीनों सेंटर में जिसका फ़र्क है, वो मुझे लगता है एक टाइमिंग है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ सेंटर वन को अपनाइए. अब अगर आप नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं, फुल टाइम आपके पास पूरा टाइम है, तो आप CLC LC2 को ऑप्ट करिए क्योंकि वो मॉर्निंग स्कूल्स हैं. CLC की टाइमिंग 8 से 4:30 है जो एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है क्योंकि क्लासेस के बीच में गैप रहते हैं. LC1 की टाइमिंग जो है वो 2 बजे शुरू होकर 7:30 बजे तक है. LC2 की टाइमिंग वहाँ पे 8 से 1 तक है. तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए टाइमिंग कि आप किस टाइमिंग में कोप अप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस लॉ सेंटर में क्या खासियत है. अब सबसे पहले जब हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ कब आई थी, 1991 में आई थी, पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी थी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी तभी. उसके बाद लॉ स्कूल बनने शुरू हुए 1970 के आसपास. लॉ सेंटर वन की नींव रखी गई थी, सबसे पुराना लॉ सेंटर वन है. हमें कई बार प्रिविलेज महसूस होता है कि हम सबसे पुराने लॉ सेंटर में पढ़ रहे हैं. उसके बाद CLC आया 1974 में और उसके बाद LC2 आया. तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्वालिटी का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं भी आप चले जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुछ कुछ खास बातें हैं तीनों लॉ स्कूल की जो उसको अलग बनाती है. अब सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कैंपस लॉ सेंटर पर. कैंपस लॉ सेंटर की क्या क्या खास चीज़ें हैं उनको हमने पॉइंट वाइज किया हुआ है. जो सबसे पहली चीज़ है वो वहाँ पर लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वीकली और मंथली सेमिनार्स हो रहे थे. वो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि वीकली और मंथली सेमिनार और लेक्चर सीरीज है जहाँ पे वो एमिनेंट लोगों को बुलाते हैं और उनसे किसी ना किसी टॉपिक पर लेक्चर्स करवाते हैं, वो बहुत अच्छी लगी. अब टाइमिंग, अगर आप पूरा दिन निकालना चाहते हैं, 8 से 4:30 का टाइम है आपका, पूरा अच्छे से टाइम पास होता है, आपको बाहर घूमने फिरने की कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कि हाँ भाई कॉलेज है 8 से 4:30 तो आपका टाइम निकलने आने वाला है. इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, अलग ही लेवल के होते हैं तीनों ही सेंटर में, लेकिन CLC और LC1 के चुनाव को मैं मानता हूँ कि थोड़ा अलग ही लेवल पर होता है, तो वो देखने में जो मज़ा आता है वो अलग ही बात है. प्लेसमेंट CLC के नाम पर थोड़ी अच्छी होती है, कैंपस लॉ सेंटर की थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है फैकल्टी ऑफ लॉ में, पर लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लेसमेंट कमेटी जो है वो जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो तीनों सेंटर की एक ही साथ में होते हैं और स्लॉटिंग एक साथ ही होती है. अब एक चीज़ अलग लगती है मुझे कैंपस लॉ सेंटर में है, वो है KK Luthra मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन. KK Luthra मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन जो है वो करवाया जाता है CLC द्वारा, CLC की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा और जो स्टूडेंट यूनियन है दोनों साथ मिलकर इसको करवाते हैं. फिर आता है 6 नंबर पर लीगल एड सोसाइटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से काम करती है CLC में. और 7वां आता है लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो CLC का है, वो बेसमेंट पर अलग ही लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर,
अच्छी लाइब्रेरी है, आइए और जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। अब जब आप सोचते हैं कि भाई LC1 क्यों, तो सबसे पहले तो अगर आप आलसी हैं, आपसे नींद पूरी नहीं होती है भाई आपकी, तो आराम से उठ के आइए, 2 बजे क्लास है इसलिए LC1। पहला, यहाँ पर फ्रेशर पार्टी बहुत अच्छी होती है, ये पॉइंट्स में लिखा हुआ था तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। दूसरा, इलेक्शन यहाँ भी नेक्स्ट लेवल है। तीसरा, प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट तीनों सेंटर की एक ही जगह से हो रही है। चौथा, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छा है। पांचवा, फेयरवेल पार्टी भी ऑर्गेनाइज की गई थी, पिछले साल भी की गई थी, उससे पहले भी की गई थी, तो यहाँ पर फेयरवेल पार्टी देखने को मिलती है जो आपको कैंपस लॉ सेंटर में नहीं देखने को मिलेगी। फिर यहाँ की जो लीगल एड सोसाइटी है वो भी थोड़े अच्छे लेवल पे काम करती है। लास्ट ईयर GNLU जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो लीगल एड के प्रोग्राम हुए थे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज भी जीत के लाई थी, तो थोड़ा अच्छा है। LC1 की खुद की बास्केटबॉल टीम है जो अलग अलग सेंटर्स में जाकर परफॉर्मेंस अच्छा देती है और जीतती आ रही है लगातार सालों से। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में LC1 थोड़ा सा आगे है, क्योंकि भाई वैरायटी वाले लोग आते हैं इसीलिए थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी खुद की लाइब्रेरी है भाई, तीनों ही सेंटर के पास है, लेकिन अगर तीनों में कंपेयर करूँ तो पहले नंबर पर CLC की लाइब्रेरी, दूसरे नंबर पर LC1 की, और तीसरे नंबर में मैं LC2 की लाइब्रेरी को डालूंगा। अब मूट कोर्ट सोसाइटी जो है वो लॉ सेंटर 1 की बहुत अच्छा काम करती है, इस साल तो प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा आए हैं और हम कोशिश चाहते हैं कि भाई जो हमारे जूनियर्स हैं वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम करें और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन को जाएं और जीत कर लाएं। फिर अगर LC2 की बात करें तो LC2 के लिए मेरे पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, परंतु चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मैंने उन्हें 3 या 4 चीज़ों में ही किया है। पहला आता है टाइमिंग, दूसरा आता है वीकली सेमिनार्स, तीसरा आता है लाइब्रेरी रूम जो आपको मेन बिल्डिंग में मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, चौथा आपके नज़दीक है, और चौथा एक मूट कोर्ट सोसाइटी का आपको ऑप्शन है कि आप मूटिंग अच्छे से कर सकते हैं। LC2 के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं जुटा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आगे अगर कोई वीडियो बनानी पड़ी इनके ऊपर तो और अच्छे से आपको तीनों सेंटर के बारे में बता पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो दिमाग में क्वेरीज होंगी वो इन डाउट निकलने के बाद खत्म हो गई होंगी, जो मैंने वीडियो दी बनाई है उसके बाद आपके डाउट्स खत्म हो गए हों, और मिलते हैं अगली सीरीज में जल्दी ही। ज़्यादा समय आपका खराब ना करते हुए वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। भारत माता की जय। जय।